थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाइए यहाँ पे किस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज लिखा हुआ है। 3,01,269 रुपए इन्होंने ड्रीम इलेवन से रातों रात जीत लिए हैं। टोटल कितना पैसा है? 3,01,226 रुपए। आपको कौन बताया? हम सोए थे, मेरा फ्रेंड है ये डॉक्टर जावेद, ये 12 बजे रात में फोन किया कि आपका 802 नंबर टीम का रैंक चला गया है, आप 3 करोड़ जीत गए हैं। हमको विश्वास नहीं था, इनसे बोले कि नहीं मजाक कर रहे हैं आप, तो बोला कि ये खोल कर देखो। हम खोल कर देखे, खुशी आया, अपने वाइफ से जगाए उस टाइम 12 बजे रात में। उसके बाद नींद आया? नहीं, नींद नहीं आया, रात भर जागे रह, रात भर जागे बोले। उसके बाद विड्रो किए, विड्रो नहीं हो रहा, अभी प्रोसेस लिख रहा है। क्या करिएगा इतनी बड़ी रकम का, क्या करिएगा, क्या करेंगे अपने बाल बच्चा के लिए, कुछ आगे कोई बिजनेस बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, जमीन वमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, बाल बच्चा, तीन को बाल बच्चा है। अच्छा, कितनी क्लास तक पढ़े हैं? हम तो 5 क्लास तक, 5वीं क्लास तक। हाँ, 5वीं क्लास पढ़ के आज और आप 3 करोड़ के मालिक बन गए, तो ये ऊपर वाला की मेहरबानी है। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? हाँ। ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर। कब से टीम लगा रहे थे? टीम 3 साल से लगा रहे हैं। 3 साल से? हाँ। इससे पहले भी कभी कुछ जीते थे? इसके पहले यही 1200-1500, एक खाली 5-6 रहा था। ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के 49 रुपए लगा के एक ड्राइवर रातों रात करोड़पति बन चुका है और इन्होंने 3 करोड़ रुपए ड्रीम इलेवन से जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई है आप सब लोग। कितना रुपए जीते हैं? 3 करोड़। किससे, कौन से ऐप से जीते थे? ड्रीम इलेवन के। कितना रुपए लगाए थे? लगाए थे 708 रुपया, 12 को टीम लगाए थे। 12 को टीम लगाए थे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई है आप सब लोग। कितना रुपए जीते हैं? 3 करोड़। किससे, कौन से ऐप से जीते थे? ड्रीम इलेवन के। कितना रुपए लगाए थे? लगाए थे 708 रुपया, 12 को टीम लगाए थे। 12 को टीम लगाए थे। टोटल कितना पैसा आया था? 3,01,226 रुपया। 3,01,226 रुपया। हाँ। थोड़ा एक बार वो टीम दिखा सकते हैं, कौन-कौन सी टीम? थोड़ा कैमरा जूम करके लाइए इधर पास में और आपको टीम दिखाते हैं जिस टीम में इन्होंने पैसा लगाया था और 49 रुपए की मतलब 11 टीम बनाई थी जिससे ये पैसा वो जीत चुके हैं। थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाइए यहाँ पे किस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज लिखा हुआ है। 3,01,269 रुपए इन्होंने ड्रीम इलेवन से रातों रात जीत लिए हैं। टीम नंबर 6 जो है इनकी 3 करोड़ रुपए जीती है, बाकी जो टीम है आप देख सकते हैं यही वो टीम, एक बार दिखाइए जो इनकी 3 करोड़ रुपए जीती है, देखिए स्क्रीन पे। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? हाँ। ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर। कब से टीम लगा रहे थे? टीम 3 साल से लगा रहे हैं। 3 साल से? हाँ। इससे पहले भी कभी कुछ जीते थे? इसके पहले यही 1200-1500, एक खाली 5-6 रहा था। मतलब तब से मतलब जीतते आ रहे हैं, तो उम्मीद था? हाँ, उम्मीद था। पैसा भी हारे हैं कभी? पैसा तो हारते हैं, इसमें 5-10 टीम लगाते हैं उसमें 2-4 तो डूबी जाता है। मतलब रोज 5,000 रुपए लगाते हैं? 5,000 तो नहीं लगाते हैं, कम से कम 300-400-500 लगाते हैं। 300-400 में से कितना आ जाता है? अरे वही कभी कभी एंट्री फीस आ जाता है, कभी उसमें से 1-2 डूब जाता है। मतलब लगभग पैसा चला गया था। हाँ। लगातार कितने सालों से लगा रहे हैं? लगातार 3 साल से लगा। 3 साल से लगा रहे हैं। और फैमिली में किसको आपने सबसे पहले बताया कि हम जीते हैं? मैं अपने वाइफ से बोला। क्या बोले? मैं अपने वाइफ से बोले कि इतना दिन से कष्ट था, हम लोग प्राइज आ गया है, अब लोग हम लोग खुशी से रहेंगे, जीवन एकदम खुशी से। बस क्या कुछ कष्ट होता था? क्या कष्ट था, इसी में परिवार था, इसमें भी थोड़ा ये सबका नशा था, इसमें भी उसमें से काट कर इसमें थोड़ा यूज करते थे और कमाते थे और बाल बच्चों को खिलाते थे। क्या काम कर रहे थे आप जिस वक्त आपको पता चला कि हम ड्रीम इलेवन में इतना रुपया जीत गए? आपको कौन बताया? हम सोए थे, मेरा फ्रेंड है ये डॉक्टर जावेद, ये 12 बजे रात में फोन किया कि आपका 802 नंबर टीम का रैंक चला गया है, आप 3 करोड़ जीत गए हैं। हमको विश्वास नहीं था, इनसे बोले कि नहीं मजाक कर रहे हैं आप, तो बोला कि ये खोल कर देखो। हम खोल कर देखे, खुशी आया, अपने वाइफ से जगाए उस टाइम 12 बजे रात में। उसके बाद नींद आया? नहीं, नींद नहीं आया, रात भर जागे रह, रात भर जागे बोले। उसके बाद विड्रो किए, विड्रो नहीं हो रहा, अभी प्रोसेस लिख रहा है। 30 लाख विड्रो किए थे, अभी नहीं हो रहा प्रोसेस। अभी आप ही बताए थे जी, कैसे आप देखे थे? हम अपने टीम लगाए थे, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसमें, तो हमने देखा था कि ये 1 नंबर पे है और 802 रैंक से। अच्छा। मैंने इनको कॉल करके बताया था। जब आपने इनको बताया तो इनको विश्वास हो गया? बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था इनको, इनको लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं। फिर इन्होंने लाइन पे रख के और अपना ड्रीम इलेवन खोल के अपना लाइव टीम देखा, तो इन्होंने देखा तो पता चला कि हाँ 802 रैंक से मैंने फर्स्ट रैंक पे हैं, तब इनको विश्वास हो गया कि हाँ 3 करोड़ हम जीत गए हैं। क्या करिएगा इतनी बड़ी रकम का, क्या करिएगा, क्या करेंगे अपने बाल बच्चा के लिए, कुछ आगे कोई बिजनेस बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे बाल बच्चे के लिए, जमीन अपना गाड़ी खरीदिएगा, आप ड्राइवरी नहीं करिएगा, अपना क्या गाड़ी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, बाल बच्चा, तीन को बाल बच्चा है कि
अब ऊपर वाला के मेहरबानी से आपका जीवन पूरा सेट हो गया जो भी हो। अच्छा, बहुत सारे लड़के इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, बहुत सारे लड़कों का पैसा डूब जाता है। गलत भी नशा है और सही भी है, ये दोनों क्या राय देना चाहिए, लोगों को खेलना चाहिए? देखिए, ये नसीब के ऊपर है, जिसका नसीब जहाँ लेकर जाए। अब हम भी 3 साल से बर्बाद हो रहे थे, उसमें डूब रहा था आ रहा था, अब किसको बताएंगे? अब उसको बताएंगे तो बोलेगा कि नहीं अपने तो डूब रहा है, लोगों को डूबा रहा है। अब अपना अपना च्वाइस है, जो लगाए वो और ना लगाए तो। अच्छा, आप लोग भी लगाते हैं टीम? हम लगाते हैं। आप कभी जीते हैं? नहीं। आप जीते हैं जी? नहीं, हमें नहीं जीते हैं। आप लोग कोई नहीं जीते? इतना रुपया हम जीते हैं, 10 रुपया। कितना जीते हैं? 10 रुपये। 10 रुपये जीते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कोई ट्रिक लगाया जाता है जीतने के लिए, कुछ पता है ट्रिक वगैरह? जी नहीं, इसमें ट्रिक का कोई बात नहीं। अगर ट्रिक का बात होता तो इन्होंने बहुत दिनों से अपना ये ड्रीम 11 मैच लगा रहे थे। अगर ट्रिक का बात होता तो कोई नहीं चाहता है कि हम फर्स्ट बार में फर्स्ट रैंक ना लाएं। सब कोई चाहता है, अगर आप टीम लगा रहे हैं तो आपको भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम भी अब खुद से चाहते हैं कि हम भी फर्स्ट आएँ। तो अगर ट्रिक का बात होता तो आप भी वो ट्रिक लगा के फर्स्ट आते हैं। तो इसमें ट्रिक का तो सिचुएशन आ नहीं सकता है, क्योंकि 3 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम आज फर्स्ट रैंक बने हैं। तो ट्रिक होता तो 3 साल ये बर्बाद करने का टाइम इनके पास नहीं रहता। आप कितना रुपया जीते हैं? मैं तो ड्रीम 11 से अभी तक नहीं जीता हूँ, बस जो एंट्री लगाया वो आ गया वापस, वही काफ़ी है। तकरीबन अब हमको लगता है कि आपके मार्केट में सब लोग लगाएंगे अब से। अब देखिए, बताया ना कि जो अपने से मतलब चाहेगा तो लगा सकता है। अब किसी को ये राय देने वाला नहीं है, ये है जुआ। अच्छा, कितनी क्लास तक पढ़े हैं? हम तो 5th क्लास तक। 5वीं क्लास तक? हाँ। 5वीं क्लास पढ़ के आज और आप 3 करोड़ के मालिक बन गए, तो ये ऊपर वाला की मेहरबानी है। हम लोग तो कर्म कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो भी क्या कुछ करिएगा इतना पैसे क्या करेंगे? बाल बच्चा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे? हमारा तो जीवन बीत गया है लोग के गुलामी करने के लिए, अब अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे बढ़िया। समझिए, किस्मत कब किसकी पलट जाए कोई नहीं बता सकता। जिस प्रकार से इनकी किस्मत पलट चुकी है, ये ड्राइविंग करते थे और ड्राइवर थे समझिए, और इसके बाद से ये 3 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। पैसा कितना TDS वगैरह कटा है कुछ? अभी तो विड्रो नहीं हुआ, तो किस तरह कटा? विड्रो नहीं हुआ? नहीं, विड्रो प्रॉब्लम उसमें प्रोसेस दिखा रहा है। क्या बता रहा है? विड्रो हो रहा है, ठीक है, और ड्रीम 11 का है कि सेविंग अकाउंट में 1 डेज में 20 लाख का ही ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जिसमें 30% का TDS कट जाता है। वो गवर्नमेंट लगता है कि 90 लाख रुपये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, इनको 2 करोड़ 10 लाख रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, तो क्या नाम बताया आपने? मेरा मोहम्मद साहिल नाम है। मोहम्मद साहिल जी थे जो कि 3 करोड़ के मालिक रातों रात बन चुके हैं। और हमारा चैनल ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप इस गेम को खेलिए, क्योंकि एक प्रकार से सट्टा और जुआ ही है। आप अपनी सावधानी पूर्वक इसको खेल सकते हैं। बाकी के लिए इनकी खबरों से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।